हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे महाजनपदों के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं प्राचीनकालीन धर्म। इनमें बात करेंगे जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव धर्म, ईसाई एवं इस्लाम धर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। ठीक है, याद रखिए जितने भी इसके लेक्चर आपके ख़त्म होते जा रहे हैं वो सभी सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभ देव थे। याद रखना है आपको, पहले तीर्थकर कौन थे? संस्थापक ऋषभ देव। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी के अनुयायी नृग्रंथ कहलाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। उनकी माता तसला वैशाली के लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी माता महावीर स्वामी को जमरक ग्राम के निकट त्रिजु ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा से जन्म लेने वाले महावीर की पुत्री प्रिय दर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। यह महावीर का प्रथम शिष्य था। ठीक, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई थी? पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंट नाथपुत्र कहा गया है। ठीक, महावीर स्वामी से संबंधित तथ्यों की बात करें तो सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम, त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम, यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, प्रिय दर्शना महावीर स्वामी की पुत्री और जमाली महावीर स्वामी के दामाद और प्रथम शिष्य। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। ठीक, पार्श्वनाथ के चार व्रतों अहिंसा हिंसा न करना, आमरसता या झूठ ना बोलना, आर्चोर जिसे बोलते हैं चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना में महावीर स्वामी ने पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह करना जोड़ा। पांचवा ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ 14 पूर्व कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार निर्माण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी। ठीक है, जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे। पहले थे ऋषभ देव, दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे थे संभवनाथ, चौथे थे अभिनंदन स्वामी, पांचवे सुमतिनाथ, छठवें पद्म प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद प्रभु, नौवें सुबिदीनाथ, दसवें शीतलनाथ, ग्यारहवें थे श्यांसनाथ, बारहवें थे आपके वासुपूज्यनाथ, तेरहवें थे विमलनाथ, चौदहवें थे अनंतनाथ, पंद्रहवें थे धर्मनाथ, सोलहवें थे शांतिनाथ, फिर सत्रहवें थे कुंथुनाथ, अठारहवें अरनाथ, 19 बार मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, 21वें नेमिनाथ, 22वें अरिष्ट नेमी,
23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। ठीक, शुरू में जैनियों द्वारा प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया। महावीर स्वामी ने अपना प्रमुख उपदेश राजगीर में पाली भाषा में दिया था। ठीक, कर्नाटक जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ले गया था। कर्नाटक में जैन धर्म को कौन ले गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन सिद्धों की 5 श्रेणियां हैं। तीर्थकर, जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। दूसरा अरहत, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य, जो जैन भिक्षु समूहों का प्रमुख हो। चौथा है उपाध्याय, जैन शिक्षक। पांचवा साधु, सभी जैन भिक्षु। ठीक है, बात करते हैं आगे। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई थी। ठीक है, कलिंग राजा खारबेल तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में कुप्पिचार का माध्यम बनाया था, प्रचार का। मथुरा मूर्ति कला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान है। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत था स्यादवाद, सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को संलेखना विधि कहा जाता है। जैन मठों को वसदी कहा जाता है। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन, जो गंधर्व था, जैन धर्मगुरु बना। जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है, याद रखिए, जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन तीर्थकर ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस किस का? ऋषभदेव का और अरिष्टनेमी का। विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया है। ये दक्षिणी जैनी कहलाए। ठीक, जो भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया है, ये सभी दक्षिणी जैनी कहलाए। ठीक, स्थूल भद्र और उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। ठीक, जैन अनुस्मृतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थकरों के वचन। महावीर के जीवन काल की 10 गणधर की मृत्यु हो गई है। महावीर के बाद केवल 1 सुधर्मण जीवित था। आगे बात करते हैं, खारबेल के हाथी गुफा की गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिले हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है और कर्मवाद में भी विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल की ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी कृष्ण के समकालीन थे। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। ठीक, प्रथम जैन संगीति की बात करें तो ये हुई 300 ईसा पूर्व में, स्थल था पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कार था 12 अंगों का प्रणयन। जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर में। फिर आपकी द्वितीय जैन संगीति हुई 512 ईस्वी में, ये बल्लवी में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमाश्रवण। कार्य था इस समय का धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया।
फिर है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में याद रखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बौद्ध ने की थी। गौतम बौद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में साग कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजतंत्र कोलीय वंश की कन्या थी। बुद्ध का ज्ञान अर्थ था ज्ञान। गौतम बुद्ध को बोध गया फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो याद रखिए, फाल्गु नदी के किनारे बोध गया में। ठीक है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे अलार कलाम तथा उसके बाद राजगीर के रुद्र कराम पुत्र ने से शिक्षा ली इन्होंने। ठीक है, भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ तत्व। तो माया गौतम बुद्ध की माँ, राहुल गौतम बुद्ध का पिता, चन्ना बुद्ध का सारथी, चुंद सुनार जिसका दिया सुअर का मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई, कंथक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। ठीक है, सुजाता कृषक वाला जिसकी दी खीर बुद्ध ने खाई, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी, अलार कलाम जिससे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली, सुभक्ष जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, फिर है देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई, अश्वत्थ वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, स्तूप महापरिनिर्वाण की पिति वैशाली यहाँ बुद्ध का अंतिम वर्षाकाल बीता था, साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, सुद्धोधन बुद्ध के पिता एवं शाक्य कुल के मुखिया, यशोधरा बुद्ध की पत्नी, राहुल बुद्ध के पुत्र थे। ठीक, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकों की बात करें तो हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, कमल जन्म का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, पीपल ज्ञान का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक, पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक, स्तूप मृत्यु का प्रतीक। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र का विकास बौद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम है। याद रखना, तर्कशास्त्र का विकास बौद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम है। गौतम बौद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कभी कभी पूछ लेता है डेट भी। ठीक है, बौद्ध की गृह त्याग की घटना को महाविनी स्क्रमण कहा जाता है। ठीक, बुद्ध 7 वर्ष तक विज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक दो गुरुओं से शिक्षा ली इन्होंने। अलार कलाम सांख संप्रदाय के अनुयायी थे। महात्मा बौद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य जिन्हें देखकर उन्हें उन्हें वैराग्य की भावना प्रबल हो उठी थी। प्रथम दृश्य वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति, द्वितीय दृश्य था रोगग्रस्त व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति था दृश्य था मृतक व्यक्ति, चतुर्थ दृश्य था प्रसन्न सन्यासी। ठीक है, 6 वर्षों तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात फाल्गु निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए। याद रखिए, फाल्गु नदी निरंजना। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है आपका नदी भी। आगे बात करते हैं, उरुवेला से बौद्ध सारनाथ आए।
यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी भद्री वप्पा अश्वजीत महानाम तथा कौंडी को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। महात्मा बौद्ध ने तपस्या एवं काल्पिक नामक 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म की सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बौद्ध में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदगल्यायन बौद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक थे विमिचार, पिसेनजी, उदयन। ठीक है, बुद्ध अपना विचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ विचुंद नामक लुहार की आम वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मच्छव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई और उनकी इस वेदना के कारण ही वे कुशी नारा पहुँचे, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी में। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन से? कई बार पूछता है, याद रखिए, 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। इनके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए हम बात करते हैं बुद्ध के 4 आर्य सत्य। दुख। संसार में सर्वत्र दुख है तथा जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। फिर दूसरा है दुख समुदाय। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, जो दुख का कारण भी है। दुख निरोध है, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी पिति पर्दा। दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। आगे बात करते हैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों के बारे में बात करते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध दर्शन में केंद्रीय सिद्धांत 4 आर्य सत्य एवं समुत्पाद है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्त होने की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन, उपदेश देने की घटना और महापरिनिर्वाण निर्माण। ठीक, आगे बात करते हैं। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं। सूत्र पिटक, बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है इसमें। विनय पिटक, बुद्ध दर्शन की विवेचना और नियम है इसमें। अभिधम्म पिटक, बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं इसमें। ठीक है, बुद्ध के जीवन के 4 स्थल हैं। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बौद्ध गया, ज्ञान प्राप्ति हुई, सारनाथ, प्रथम धर्मोपदेश याद दिया, कुशीनारा, मृत्यु हुई। बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। याद रखिए, जन्म बुद्ध का, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों एक ही दिन हुए हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक, अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बौद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। ठीक, अल्पवयस्क, चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दासी एवं रोगी बौद्ध संघ में प्रवेश से वंचित थे। अजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। याद रखना, अजीवक जो संप्रदाय है उसकी स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। 5 बुद्ध हैं, कुकुच्छांद नंद,
कनक भजन भंजन, कश्यप शाक्यमुनि, गौतम बुद्ध, मैत्रेय भावी बुद्ध, अंतिम बौद्ध सामंत भद्द होंगे। ठीक है, संघ सभा कपिस्ताव पाठ अनुसावन, संघ में प्रवेश उपसंपदा, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण है। ठीक है, बुद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी है? दक्षिण। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में हुआ, याद रखना है, जैन धर्म का प्राकृत भाषा में हुआ था और इसका पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ हुआ है। हीनयान के दो भाग हैं, विरभाषिक सौत्रांतिक। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। मिलिंद पन्हेव पुस्तक 100 ईसा पूर्व के एक बुद्ध काव्य है, जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर प्रथम के प्रश्नों का उत्तर बुद्ध विद्वान नांगसेन द्वारा दिया गया है। इसमें राजा मिलिंद और नांगसेन का संवाद है। ठीक है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि नामों से भी जाना जाता है। बुद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म पर विश्वास करते। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया, शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे नागार्जुन थे। ठीक है, और जो विज्ञानवाद था इसके प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। बुद्ध वर्षाकाल में बिलुवन तथा जैतवन में निवास करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुबेला में तपस्या की। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैतरीय उपनिषद है। निर्वाण को सरल बनाने के लिए बुद्ध के 10 सील अहिंसा 2, सत्य 3, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति ना रखना, पांचवा है मद्यपान नशा ना करना, असमय भोजन ना करना, सातवां है सुखदायी बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां है धन संग्रह नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना 9वां, 10वां नित्य संगीत से दूर रहना। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म की साइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं सूत पिटक में वर्णित हैं। ठीक है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। दिव्यवादना, दोहाकोसा, वज्र वेदिका तथा बाम सात पाकसीनी में से एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ बाम सात पाकसीनी है। बात कर लेते हैं हम लोग हीनयान और महायान में अंतर। ये हीनयान है, ये महायान है। हीनयान महात्मा बौद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था, महायान इसका संशोधित रूप था। हीनयान महात्मा बौद्ध को एक महापुरुष मानता है और महायान महात्मा बौद्ध को एक देव की देवतुल्य उपासना करते हैं। हीनयान बौद्धिसत्व में विश्वास नहीं करते हैं और जो महायान है बौद्धिसत्व में विश्वास करते हैं। जो हीनयान है यह धार्मिक ग्रंथ पाली है इसकी, और जो महायान है इसकी धार्मिक ग्रंथ है संस्कृत भाषा में लिखे हैं। ठीक है, हीनयान सन्यासी जीवन पर बल देते हैं और महायान संप्रदाय गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। हीनयान हैं आपके जो ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, और महायान शाखा के अंतर्गत बौद्ध की पहली मूर्ति बनी है।
तथा ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। हीनयान संप्रदाय प्रधानता दार्शनिक है, महायान संप्रदाय शुद्धता धार्मिक संप्रदाय है। ठीक, वज्ञान संप्रदाय का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ। यह बौद्ध धर्म में बढ़ते तंत्र मंत्र के प्रभाव का परिणाम था। ये शक्ति की उपासना करते थे, इसमें तारा आदि देवियों को महत्व प्राप्त थे। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में से निहित थे। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। नालंदा तथा विक्रम विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित थे। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, तो प्रथम बौद्ध समिति थी। इसके उद्देश्य देखें तो प्रथम बौद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक एवं सूत में संकलित किया गया। द्वितीय में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थिर एवं महासंधि में बट गया। तृतीय है तीसरा पिटक अभिधम्म में जोड़ा गया। चतुर्थ पिटक बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बुद्ध पावा से कुशी नारा चले गए और यहीं पर सुभक्ष को अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शन बताया। बौद्ध संगतियों की बात करें तो इसकी प्रथम संगति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति ये हुई 483 ईसा पूर्व में, ये राजगिर में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति हुई ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष थे साबा कामी और काराशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति हुई 255 ईसा पूर्व में, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलिपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे, अशोक के शासनकाल में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई। इसके अध्यक्ष थे बसुमित, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और कनिष्क के शासनकाल में हुई। याद रखना ये 4, क्योंकि कई बार क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, पूछ लेता है कहाँ कौन हुई। ठीक है, बात करते हैं बुद्ध के अवशेष। बुद्ध के अवशेष को निम्न व्यक्तियों में ने आपस में बांटकर 8 स्तूप बनाए थे। मगध नरेश अजातशत्रु, दूसरा वैशाली के लिच्छवी, तीसरे हैं कपिलवस्तु के शक, तीसरे हैं अल्ल कप के बुली, पांचवे हैं राम ग्राम के कोलिए, छठवें हैं बैठ द्वीप के ब्राह्मण, सातवें हैं पावर कोसी नगर के मल्ल और आपके 8वें हैं पिप लीवन के मौर्य। अब बात करते हैं अस्तिक षड दर्शन का संक्षिप्त परिचय। ये दर्शन है, ये प्रवर्तक हैं आपके, ये अन्य विद्वान व्याख्याकार हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी। इसके अन्य विद्वान हैं सवर स्वामी, प्रभाकर कुमारिल इत्यादि। फिर है उत्तर मीमांसा, इसके प्रवर्तक हैं बादरायण शंकराचार्य। इसके अन्य विद्वान हैं शंकराचार्य, वाचस्पति, रामानुज, माध्वाचार्य इत्यादि। फिर है न्याय गौतम, इसके अन्य विद्वान हैं वात्स्यायन, उदयनाचार्य, जयंत भट्ट इत्यादि। फिर है वैशेषिक, कणादेय उलूक, इसके अन्य विद्वान हैं विशस्तपाद, केशव मिश्र तथा विश्वनाथ। फिर है सांख, कपिल हैं इसके प्रवर्तक, ईश्वर कृष्ण और वाचस्पति इत्यादि इसके अन्य विद्वान। फिर है योग, पतंजलि, व्यास हैं इसके अन्य। ठीक,
अन्य धर्म और विवर्तक उनके संस्थापकों की बात करें, ये संप्रदाय हैं, ये संस्थापक हैं, पाशुपत लकुलिश इसके संस्थापक हैं, पित्तभिज्ञा वसुगुप्त हैं इसके, स्पंद स्तार कलत और सोमानंद हैं, लिंगायत वासव हैं, आद्वैत शंकराचार्य एवं बादरायण हैं, विशिष्टाद्वैत एवं श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य हैं इसके, फिर ब्रह्मा संप्रदाय इसके माध्वाचार्य हैं, सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य हैं इसके संस्थापक, अजीबक मक्खाली गोसाल हैं घोषाल, नित्यवादी फकोग कच्चायन हैं, आनिश्चयवादी संजय विठली पुत्र हैं, घोर अक्रियवादी फूरन कश्यप हैं, भौतिकवादी अजीत केसका मिलिन हैं, ठीक है इसके संस्थापक। फिर आपका वैष्णव धर्म भागवत धर्म, ठीक है। वैष्णव धर्म का उद्भव गुप्त काल में भागवत धर्म को अधिग्रहित तथा अपने अंदर विलीन करने का कार्य प्रारंभ किया। विष्णु बहुत से स्थानीय देवताओं का सम्मिश्रण है। अवतारवाद के सिद्धांत को वैष्णव मत के अंदर लोकप्रिय देवताओं को संयोजित कर और लोकप्रिय बनाया गया। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी आपकी उपनिषदों से मिलती है, जिसका विस्तार भागवत धर्म से हुआ है। भागवत संप्रदाय का सर्वोच्च देवता वासुदेव कृष्ण है, जिसके बाद में पहचान विष्णु के साथ की गई है। दक्षिण भारत तमिल भूमि में भागवत आंदोलन का प्रचार बारह अलवार द्वारा किया गया है। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व हैं भक्ति और अहिंसा, ठीक है। भक्ति का अर्थ है प्रेममय निष्ठा निवेदन, अहिंसा का अर्थ है किसी जीव का वध ना करना। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं कृष्ण, जो वैष्णवी कबीले के थे, उनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगीरस के शिष्य के रूप में हुआ है, ठीक। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में है। विष्णु के 10 अवतार हैं मत्स्य, कुरुम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ है, ठीक है। फिर आता है हमारा शैव धर्म। शैव धर्म की उत्पत्ति वैष्णव धर्म से भिन्न प्रकार के अति प्राचीन अतीत में निहित है। पूर्व वैदिक धर्म तथा सिंधु धर्म का महत्वपूर्ण अवयव पशुपति महादेव की पूजा करना था। इस देवता को आदिम शिव कहकर वर्णित किया गया और वैदिक धर्म विशेषकर उत्तर वैदिक धर्म में रुद्र को पशुपति महादेव का वैदिक पितिरूप माना गया है। शैव मत उत्तर उपनिषद काल में उस समय सुस्पष्ट तौर पर प्रकट हुआ जब शिव की पहचान आंतकित करने वाले वैदिक देवता के रूप में रुद्र के साथ की गई, ठीक है। शिव का अभिप्राय है मंगलमय होना। लिंग के रूप में शिव की व्यापक स्तर पर पूजा होती है। यह अभिव्यक्ति तथा जीवन का स्रोत है और इसके अंदर स्वाभाविक रूप से विखंडन एवं मृत्यु के बीज विद्यमान है। स्त्री का प्रजनन अवयव योनि शिव की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और यह उनकी लौकिक ऊर्जा का मानवीय गुण है। जब योनि तथा लिंग का एक साथ प्रतिनिधित्व किया जाता है तब यह सृष्टि के महान प्रजनन सिद्धांत के महत्व को दर्शाता है। कुछ पुराणों ने संपूर्ण सृष्टि की पहचान शिव के साथ उनके 5 रूपों तत्पुरुष नामदेव, अधोरेश, अघोरेश, साधोजात और ईशान की अवधारणा के माध्यम से की है। शिव के 5 रूपों को 5 दिशाओं का शासक बताया गया है, जिसमें पाताल आकाश के 4 बिंदु शामिल हैं और यह स्थलीय विस्तार की पूर्णता को निश्चित करता है, ठीक है।
शिव के 11 रुद्र अवतार कपिल, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त, अजिपाद, अहिरवन, रबुधन, शंभु, चांद तथा भाव। शिव के निम्नलिखित अवतार हैं अर्धनारीसुर, नंदी सर्व, गृहपति, नीलकंठ, ऋषि दुर्वासा, महेश हनुमान, वृषभ, पिप्पलाद, बैजनाथ, यतिननाथ, कृष्ण दर्शन, अवधेवेश्वर, भिक्षुवरेया, सुरेश्वर, ब्रह्माचारी, सोनात, नाटक, साधु विभु, अश्वत्थामा, किराट, वीरभद्र, भैरव, अल्लमा, खानदोबा हैं। ठीक है, सहमत के भाव भावनात्मक पक्ष का प्रचार नायर नारों द्वारा किया गया था, जबकि उसके सिद्धांतिक पक्ष को सैव बुद्धिजीवियों ने पूर्ण किया। ये आचार थे अगमनत, शुद्ध तथा वीर सैव जैसे सैव आंदोलन के रूपों से संबंधित थे। अघोर शिवाचार उनका सबसे योग्य सिद्धांतकार था। शुद्ध सेववादियों ने रामानुज की शिक्षाओं को अपनाया और श्रीकांत शिवाचार उनका महान विख्याकार था। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है, याद रखना है। शिव धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ समुदाय पशुपति, कपालिक, काला सुमुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ है। इसका वर्णन वावन पुराण में मिलता है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, जिनका प्रमुख केंद्र था श्रीशैल नामक स्थान। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। लिंगायत को जंगम या वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत में प्रचलित था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य वासव। ठीक, वीर शैववादियों का नेतृत्व वासव द्वारा किया गया। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलीश, जिनको शिव का अवतार माना जाता है। इसके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ है पशुपत सूत। पशुपत संप्रदाय का मुख्य संबंध अनुष्ठान एवं अनुशासन से है। इसका अंतिम लक्ष्य शिव के साथ अंतर्विहीन होना है, जिससे सभी प्रकार के दुख एवं परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होना है। ठीक है, फिर अथर्ववेद में शिव को सर्व भाव पशुपति तथा भूपति कहा गया है। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसके प्रमुख प्रचारक थे बाबा गोरखनाथ। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावृद्धर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल के समय लोकप्रिय रहा। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है, याद रखना कुषाण शासकों। तमिल शैव मत की शिक्षाओं को प्रथम बार व्यवस्थित करने वाला मेकांतर था। शक्ति संप्रदाय शैव मत के साथ काफ़ी नज़दीक है, लेकिन फिर भी इसमें विशिष्ट है। शक्ति संप्रदाय या देवी की पूजा का उल्लेख महाभारत से प्राप्त होता है। जिस समय शक्ति के चित्त को शिव के साथ उसकी पत्नी के रूप में चित्तित किया जाता है, तब वह उसका लाभ वाला पक्ष है और इसको पार्वती देवी या उमा या महादेवी कहा जाता है। शक्ति के बहुत से नामों में से मनसा, शीतला, चंडी, दुर्गा, काली हैं। बंगाल में उसका संप्रदाय गहरी सिद्धा, पवित्रता एवं भय सहित प्राचीन जनजातीय संप्रदाय से ग्रहण किया या विद्रोहात्मक निर्दयी रक्त अनुष्ठानों का एक मिश्रण है। तांत्रिक तत्व जैनमत, महायान, बौद्धमत, शैवमत, वैष्णवमत एवं शक्ति संप्रदाय में भी विद्यमान रहती है। तांत्रिक संप्रदाय का विकास अफगानिस्तान सीमा के साथ उत्तर पश्चिम भारत में तथा पश्चिम बंगाल और असम में या उपमहाद्वीप के मामूली हिंदूवादी क्षेत्रों में हुआ है, इसलिए इसके अंदर बहुत सी गैर आय विशेषताओं भी शामिल हो गई हैं। इसके शिव तथा शक्ति की एकता के अनुसरण में यौन एकता की निर्मलता को भी शामिल किया गया है।
फिर आपका आता है ईसाई धर्म। क्या? ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के बारे में याद रखना, ईसाई धर्म के संस्थापक थे आपके ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म हुआ जेरूसलम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर, ठीक है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था और पिता का नाम था जोसेफ। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक एक बड़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस और पीटर, ठीक है। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया और इनको सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह धर्म का, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे, यह ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह के जन्मदिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। फिर है आपका इस्लाम धर्म। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ, ठीक है। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे, ठीक है। हजरत मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। इनकी पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम था अली हजरत हुसैन। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत या हिजरी संबत के नाम से जानी जाती है। देवदूत ग्रम्बियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। नमाज के अवसर पर मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, ठीक है, कहलाते हैं। फिर है आगे 8 जून 632 को हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई और उसके बाद मदीना में दफनाया गया उन्हें, ठीक है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी व सिया नामक 2 पंथों में विभक्त हो गया। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, ठीक है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण ग्रंथ है, ठीक है। और सिया जो सिया संप्रदाय है, सिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक के नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्याओं ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित इब्न ईसाक ने लिखा। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। फिर है आपका पारसी धर्म। पारसी धर्म के बारे में आपको याद रखना है, इन धर्मों के अस्तित्व पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट ईरानी थे, जिनके शिक्षाओं का संकलन जैनदा अवस्था नामक ग्रंथ में, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर यानी कि अहूर को मानते थे। पारसी धर्म में अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। जैनदा अवस्था नामक ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार सद्वचन सदकार है, ठीक है। तो क्या थे हमारे धर्म, ठीक है। प्राचीन जितने भी प्राचीन काल में कालीन धर्म थे, जैन हो, बौद्ध हो, वैष्णव हो, शैव हो, चाहे वो ईसाई हो, ठीक है, इस्लाम धर्म हो। आगे बात करेंगे हम लोग मगध राज्य का उदय, ठीक है।